तो गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का जो ब्लॉग है एक्चुअली ब्लॉग टाइप का नहीं होगा, हम बैठ के बातें बातें करेंगे। बहुत ही खुशखबरी है, टाइटल और थंबनेल से तो आप लोग को पता चल ही चुका होगा। तो आज जो है मैं फाइनली रिवील कर रहा हूँ, बहुत ही खुशी का मौका है गाइस। तो अभी जो है यहाँ पे जेरी भी रेडी है, मम्मी भी रेडी है, मम्मी पूरा जो है चटनी खा रही है। तो हम लोग जो है बैठ के आराम से बातें करेंगे आप लोगों के साथ, थोड़ा बहुत खुशियाँ हम लोग शेयर करेंगे। तो गाइस अभी हम जो है बैठ चुके हैं तीनों, हमारे घर पे अभी जो है दीदी नहीं है, वो जो है तेजू पे गई हुई है। तो हम लोग का ये छोटा सा फैमिली है और अभी जो है हमारा फैमिली जो है बड़ा होते जा रहा है गाइस धीरे धीरे, तो इसलिए खुशखबरी शेयर करना था आप लोग के साथ। तो यस गाइस, जेरी इज प्रेगनेंट एंड मैं बाप बनने वाला हूँ फाइनली गाइस। तो ये जो है बहुत ही खुशी का मौका है, मैं जाहिर नहीं कर पा रहा हूँ। तो पेरेंट्स बनना ये जो है बहुत लकी माना जाता है, हर किसी के नसीब में नहीं होता है पेरेंट्स बनना। तो ये जो है खुशी का मौका, ये एक तरह से ऊपर वाले की दया से हम लोग जो है एक तरह से हम कह सकते हैं प्रसाद मिल रहा है हमें, तो दुआ मिला है हमें, तो बहुत ही खुश हूँ मैं, क्या ही बताऊँ। मम्मी आपको कैसा लग रहा है? मैं भी पोता मिल रहा हूँ, मैं भी कितना खुश पोता या पोती जो भी हो, मतलब पोता हो और पोती हो। तो एक्चुअली गाइस मैं आप लोग को बता दूं, हम लोगों ने कुछ प्लानिंग वगैरह नहीं किया था। तो सबसे पहले मैं शुरुआत से करता हूँ, शुरू सबसे पहले जेरी से हम लोगों ने मिला 2019 में गाइस। एंड 2019 में मिलने के बाद जो हम लोग लिव इन रिलेशनशिप में लगभग 2-3 साल तक रहे। गुवाहाटी में मैंने पढ़ाई किया, ये किया, वो किया था। एंड उसके बाद फाइनली हम लोग लॉकडाउन में घर आ गए। तो लॉकडाउन में घर आने के बाद घर पे हम लोग ऐसे ही रहे परिवार वाले। शुरुआती दिन हमारे लिए बहुत तकलीफ रहे हैं गाइस, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ। आप लोगों ने देखा और कुछ कुछ चीज़ें जो है मैंने ब्लॉग्स में भी नहीं लिया, इतना तकलीफें हम लोग झेलते आए। एंड फाइनली मेरा लाइफ में जो अपना मोनू दोस्त को मिलने के बाद टर्निंग पॉइंट्स आ गया और यूट्यूब में अच्छा गया मेरा, मेहनत करते गया मैंने, तो आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया। तो उसके बाद जो है हम लोगों ने फैमिली प्लानिंग के बारे में कभी नहीं सोचा। हम एक्चुअली पैसों की कमी के कारण जो है फैमिली प्लानिंग करना भी थोड़ा सा मुश्किलें आती है। जब तक आप अपने बच्चे का फ्यूचर अगर सिक्योर न कर पाओ तब तक आप फैमिली प्लानिंग मत करो। इस बार भी एक्चुअली हम दोनों का कुछ प्लानिंग नहीं था, ऐसे अनप्लान हो गया। जब हम लोग मिजोरम गए थे, मम्मी मैं और तीनों, हम तीनों ही थे उस टाइम पे मिजोरम ट्रिप में जब गए थे, तो उसी टाइम पे थोड़ा सा हमें डाउट हुआ, इसके घर वालों को भी डाउट हुआ कि तुम कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे ये एकदम इसका शक्ल मतलब पूरा बॉडी स्ट्रक्चर जो है पूरा चेंज हो चुका था। इसको वोमिटिंग लगती थी, तो हमें लगता था ट्रैवलिंग नहीं कर पाती उस कारण वोमिटिंग लगती है। एक्चुअली जो है कारण जो है खुशखबरी आने वाला था उस कारण से शुरू हो रहा था। तो उसके बाद जो है वहाँ पे बोला लोगों ने, तो हमें भी दावत था और खुश भी थे मन ही मन में। उसके बाद घर आने के बाद सीधा इसने जो है टेस्ट किट लेके चेक किया। उसके बाद भाई सुबह सुबह मैं सो के उठता हूँ और अचानक से यह दिखाता है ऐसा, कहाँ गया टेस्ट किट? एक महीने से ज्यादा हो गया था। तो उसने मतलब ऐसे आके दिखाया उसमें पॉजिटिव, भाई साहब मैं तो पूरा खुशी के कारण रोने वाला था मैं, इतना हो रहा, मैंने पेट को पूरा पकड़ के ऐसा चूमा मैं, क्या ही बता आप लोगों। उसके बाद मम्मी लोग को, दीदी लोग को, सबको बताया हम लोगों ने, पूरा खाना खाते सबको गुड न्यूज दे दिया, सभी लोग खुश पूरा। अभी तो क्या ही बताऊं, पूरा अलग सा फीलिंग आ रहा है मुझे। तो बाकी जेरी को कैसा लग रहा है आप तुम भी बता दो। बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, एक माँ बनने जा रही हूँ, तो अभी थोड़ा थोड़ा महसूस हो रही है माँ का फीलिंग कैसा है। तो दुनिया में तो सभी कहता है सबसे बड़ा माँ ही होता है, अभी क्या कर सकते हैं, बिना प्लानिंग का हो गया। तो फिर भी हम लोग एबॉर्शन के बारे में कुछ भी नहीं सोचा है, नहीं नहीं ऐसा नहीं सोचा, भगवान की दया से ये सब नहीं, ऐसे पेट में आ गया बोल के हम लोग उसे जन्म देंगे, दुनिया दिखाएंगे, ऐसे सोच लिया है। अभी सभी से हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है, तो अभी हो गया तो हो गया, तो अब इसको जन्म देना ही तो पड़ेगा। लड़का हो या लड़की हो, भगवान जो भी भेजे हो उसका ही कृपा है, बस सब कुछ ठीक ठाक से आ जाए बस वही। एंड गाइस आप लोग को बता दूं, कई सारे लोग इतने कमेंट कर रहे हैं आप में से, अभी आप भी देख रहे होंगे भाई, आप लोग पूरा मतलब फ्यूचर देखने वाले हो क्या? पहले से पता चल जाता है, इतना एक्सपर्ट लोग है यार आप लोग, इतना मतलब कैसे क्या ही बताओ। रोज मेरे वीडियोस पे जेरी भाभी प्रेगनेंट है क्या, रूपम बाप बनने वाला है क्या, बच्चा आने वाला है क्या,
दादी मम्मी दादी बनने वाली है क्या, नानी बनने वाली है क्या, ऐसे पूरा कमेंट पे कमेंट पाई। और इसके वीडियोस में तो जब भी ये खाता खाती है, ये कुछ खाती है तो जेरी प्रेगनेंट ऐसा कुछ कुछ लोग कमेंट करते हैं, और गालियां भी बहुत खाया गाइस। आप में से कुछ देख रहे होंगे उन्होंने भी दिया होगा गालियां कि तुम जब भी कहीं पे घूमने जाते हो सिर्फ जेरी 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 चिल्लाते हो, जेरी के लिए ये लेके जा रहा हूँ, जेरी के लिए वो लेके जा रहा हूँ। एक्चुअली रिवील नहीं किया था मैंने, वो लोग बोलते हैं हाँ तुम मतलब मंजिता के लिए नहीं बोलते हो, मम्मी के लिए नहीं बोलते, केवल जेरी को ही क्यों बोलते हो। एक्चुअली जो है जेरी प्रेग्नेंट है, और प्रेग्नेंट जो लेडी होती है वो एक जो है देवी का रूप होती है, तो उनको जो है अपने मन चाहा चीजें खिलाना या फिर करने देना तो मतलब पुण्य का काम होता है, तो इसलिए मैं किसी चीज का कमी होने नहीं देता हूँ इसे, जितना मेरी तरफ से हो सके। और आप लोग प्यार देते रहना, कभी मुझे खट्टा खाने का मन होता है, कभी मीठा खाने का मन होता है। जलेबी दुर्गा पूजा में जलेबी इतना ज्यादा खाया ना, पूरा उसको खा के बाद इतना शांति मिला है, अभी दुनिया में इतना अच्छा अच्छा चीज खा लिया मैंने, पूरा खाने का भी दिल नहीं करता है अभी। ऐसे अभी आप लोग बस प्यार देते रहना गाइस, एंड आप लोग जो है अब तक मेरे लाइफ का जर्नी में अमेजिंग आप लोग रहे हो मेरे साथ में। एक्चुअली जो आप लोगों ने मेरा पूरा लाइफ को बदल के रख दिया है, मैं पहले कैसा था अपने माँ को भी खुश नहीं रख पाता था मैं, मतलब खुशियाँ नहीं दे पाता, जो बेसिक नीड्स होती हैं वो नहीं दे पाता था। अभी जो है मैं ऊपर वाले की कृपा से आप लोग के प्यार से मम्मी को भी खुश रख पा रहा हूँ, अपना बीवी को भी खुश रख पा रहा हूँ, और आने वाले बच्चे को भी खुश रख पाऊंगा, अपने परिवार वाले जितने भी है रिश्तेदार हैं गाँव वाले सबको मैं प्राउड फील करवा पा रहा हूँ सब आप लोग की वजह से। और ये जो सारा प्यार है ये सभी क्रेडिट जो है आप ही लोगों को जाता है, एंड आने वाले बच्चे के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस एडवांस में दे देना। क्योंकि ओ हाँ कितना महीना वो अभी तक बताया नहीं मैं, तो अभी जो है तीसरा महीना क्रॉस हो चुका है, एंड अभी 3 महीना 1 हफ्ता जैसा समथिंग हो गया है, तो 3 महीना 1 हफ्ता, और उसके बाद अभी चेकअप वगैरह रेगुलरली करवा रहे हैं हम लोग। जब बीच बीच में हम लोग हॉस्पिटल में गए थे ना वो चेकअप के लिए गए थे, हम लोग अलग बहाना बनाए थे वीडियो में रिवील नहीं करने के लिए, वीडियो में रिवील नहीं किया था। परसों में भी मैंने वैक्सीन लगाया था, फिर भी मुझे कहां पे इधर में लगा था ना अभी पूरा फूल गया, हाथ फूल गया था इसका वैक्सीन दवाइयां वगैरह, मैंने रिवील नहीं किया इसका ब्लॉग। मैंने मेरा वीडियो में बोल दिया था मैं कुछ काम के लिए वहां पे भैया का घर पे जा रही हूं बोल के, इसे कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है। हां हां क्योंकि फटक से ये सब चीजें रिवील करना भी नहीं होता है गाइस, क्योंकि आप लोग को पता है कुछ चीजें अच्छी होती है कुछ बुरी चीजें होती है, तो कई कई चीजें जो है थोड़ा बहुत पर्सनल रखना भी होता है। लेकिन आप लोग मेरे परिवार की तरह हो, आप लोग मेरे परिवार का हिस्सा हो, तो मैंने भी सोचा कि बता ही देते हैं अभी, क्योंकि टाइम भी हो चुका है। लगभग 70% को तो पता ही चल गया होगा। पता चल ही गया होगा, पूरा कमेंट भर भर के आते हैं, बट फिर भी अपना तरफ से कोई भी कन्फर्मेशन नहीं दिया था हम लोगों ने, तो अभी दे दिया, तो खुशियाँ ही खुशियाँ गाइस, एंड बहुत अच्छा लग रहा है। तो पहली बार है, थोड़ा सा नर्वस भी हूँ, थोड़ा सा क्या बोलूँ कंफ्यूज्ड भी हूँ, तो आप लोग तो एक्सपीरियंस वाले कई सारे देख रहे हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कुछ सजेशन देना क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो मैं 100% आप लोग को जो है आप लोग का कमेंट को देख के थोड़ा बहुत सीखूंगा मैं, और उसको फॉलो करने का कोशिश करूंगा। बस आप लोग प्यार देते रहना गाइस, बहुत ही ज्यादा मैं ऐसा फील आ रहा है मुझे, मैं अभी वो कहते ना अभी आसमान की ऊंचाइयों पे पूरा मतलब मैं सपने में हूँ जैसा फील आ रहा है। और गाइस मेरा उम्र भी उतना ठीक नहीं अभी तक ज्यादा नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से ठीक है, 24-25 ऐसा हो चुका है मेरा, तो बाप बनना शायद मेरे लिए भी सही टाइम है। इसका भी 22 पार है ना अभी, पार हो गया, 24 रनिंग चल रहा है क्या, 23-24 दोनों का लगभग सेम ही हम लोग का, इस बस 1 ईयर का गैप है हम लोग का, तो ज्यादा उम्र होने के बाद बच्चा पैदा करना भी थोड़ा सा अच्छा नहीं होता है, और ज्यादा कम उम्र में भी मतलब अच्छा नहीं होता है, तो हमने सोचा है कि ये उम्र जो है काफी सही हो चुका है। क्योंकि गाइस जब हमारा बेटा हो या बेटी हो जब भी आएगा ना साथ में जवान होंगे हम लोग, जवान होंगे वैसे ना गांव में बहुत जल्दी शादी करता है और बच्चा वगैरह भी बहुत जल्दी पैदा कर देता है, तो हम लोग ही है सबसे, हम लोग का फ्रेंड सर्कल से सबसे लेट हम लोग ही है, 4 साल हो गया हम लोग का ये शादी, मतलब हम लोग एक साथ में रह रहे 4 साल हो चुका है, तो हम लोग जो है बहुत कंट्रोल करके रखा, मतलब कोशिश किया कि हम लोग जो है फैमिली प्लानिंग ना करे, तो अभी फाइनली थोड़ा बहुत अच्छा लाइफ में अच्छा भी चल रहा है, तो सही टाइम है। लेकिन आप लोग को बता दो गाइस बहुत ही ज्यादा खुशी हुई थी उस टाइम पे जब इन्होंने ये ऐसे दिखाया ना पॉजिटिव रिपोर्ट, क्या ही फीलिंग था यार। मैं अगर उस दिन ब्लॉग में अगर बता सकने से मैं आप लोग को शेयर करना था, मैं लिटरली मैं रो दिया था एक्चुअली, खुशी के आंसू थे।
तो अभी जो है आप लोग का दुआ रहा, आप लोग का प्यार रहा, तो सही सलामत से हो जाए। कौन सा महीना में था, जून में लास्ट ईयर, जून फर्स्ट वीक तक मतलब हमारे घर पे नया मेहमान आ जाएगा गाइस। बस आप लोग का प्यार, मैं लास्ट को होगा ऐसे बोल गया था, तो अभी फिर से मुझे बीच बीच में चेकअप वगैरह तो करना पड़ेगा, वो सब तो दिखा देंगे अभी। पहले तो चुप चुप के जाते थे, अभी पूरा खुल्लम खुल्ला दिखा देंगे। अभी मम्मी भी बेचारी जो है, अभी इसका कोई भी छोटा बच्चा नहीं, एक्चुअली घर में एक अगर ऐसा बुजुर्ग रहता है तो एक छोटा बच्चा अगर होता है तो काफी अच्छा होता है, तो मम्मी के लिए भी अच्छा होगा। अभी मंजिता भी बड़ी होती जा रही है, वो हॉस्टल पे रह रही है, बहुत ही खुशी था उसमें उसको भी, हाँ। बताया हम लोगों ने, एक्चुअली गांव में भी लगभग सबको पता है ही अभी, हाँ। तो सबको बताया हम लोगों ने, बस वीडियो में हम लोगों ने सोशल मीडिया पे रिवील नहीं किया। मंजिता क्या बोल रही थी उस दिन, मैंने उसको डायरेक्टली बोल दिया आने वाला है, हाँ। कोई ऐसे बोल दिया, पूरा खुश, मेरा भैया आएगा ऐसा बोल दिया था, अगर भाई आएगा तो उसको साइकिल चाहिए, वो बोला ऐसा, वो हम लोगों ने कुछ बोला ही नहीं, ऐसा बोला, ऐसा बोला है वो, लड़का आएगा बोले मेरा भाई आएगा, हमको भाई ने साइकिल दिला हुआ बोले, ऐसे बोल दिया, ऐसा बोला है उन्होंने। और कोई उसको कमेंट भी करता है, वो हम लोग जो है उसको हॉस्टल में रखे थे, तो घर जो है एकदम सुना सुना हो गया था, फिर भी एक घर में तो बच्चा होने से पूरा रौनक आती है। पहले हम लोग का मंजिता बहुत छोटी थी उस टाइम पे, पूरा घर में हल्ला गुल्ला रहती थी, रौनक थी घर में अलग सा। अभी उसको जो है नेक्स्ट ईयर हम लोग घर पे रखेंगे, घर पे रखेंगे, साथ में दो दो गाय, हमारे घर पे दो दो बच्चे होंगे, मंजिता भी तरह केयर करेगी, और ब्लॉक में आप लोग को छोटा रूपम हो या छोटा जेरी हो, आप लोग को तो दिखाते रहेंगे हम लोग, उसको भी पूरा प्रोफेशनल बनाएंगे हम लोग। कोई कोई तो रिवील नहीं कर देता, हम बहुत जल्दी रिवील कर, बहुत जल्दी रिवील कर देंगे, जैसे ही वो पैदा होगा उस टाइम पे, क्योंकि आप लोग तो हमारे परिवार के हिस्से हो, सब चीज हम लोग आप ही के साथ शेयर करते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है गाइस। तो यही कहने के लिए हम लोग जो है ये वीडियो बनाया था, सोचा रिवील कर दें। अगर हम लोग प्लानिंग कर देते तो Q&A वीडियो रखना था ना, हाँ, पहले Q&A वीडियो रखना था, लेकिन अनप्लानिंग हो गया ना, तो अचानक से, बट अच्छा है, सरप्राइज भी दे दिया आप लोग को, सरप्राइज धमाका, फिर भी बहुत ही चला गया हम लोग का सब्सक्राइबर, लेकिन आप लोग से चालाक दुनिया में कोई नहीं है, इतना जल्दी कैसे कैच कर लेते हो आप लोग, मुझे तो समझ में नहीं आता है इतना बर बर के। और कल का मेरा ब्लॉग में जो है वो थोड़ा सा बेबी बम को दिखाई दिया था, अभी थोड़ा थोड़ा दिखता है, तीन महीने हुआ है ना, थोड़ा दिखता है, मेरा पेट जो है बहुत जल्दी निकलता है, और थोड़ा उसमें वीडियो में दिखाई दिया, फिर भी इतना ज्यादा बर बर के आया, जेरी दीदी का बेबी बम दिखाई दे रहा है, बहुत ही क्यूट है ऐसे बोल दिया था। कल मैंने स्क्रीनशॉट भेजा था ना पहले, हमको इसने स्क्रीनशॉट भेजा था, किसी ने कमेंट किया था, फिर भी मैं किसी को भी रिप्लाई नहीं दिया, ऐसे लव रिएक्ट तो दे देती थी, थैंक यू तो बोल नहीं पाती थी, क्योंकि थैंक यू अगर बोल लिया तो लोगों को पता चल जाता, पता चलेगा। तो मम्मी एक बार और कोई मैसेज देना चाहेंगे, कैसा लग रहा है, या फिर हमें कुछ सजेशन आपके तरफ से कुछ आप कहना चाहेंगे, कितना खुश हो, क्या खुश तो हो, बहुत खुश हो, अभी खुश तो कितना है वो देखा नहीं पा रहा है, ऐसा खुश हो गया, जब वो जन्म लेगा फायदा होगा, वही समय में तो और कितना खुश करेंगे उस दिन, तो और पता नहीं दोस्तों आप लोग विश्वास करोगे कि नहीं, मैंने तो अपने ससुर जी को देखा ही नहीं रियल लाइफ में, बस फोटो में दिखी हूँ और सपनों में दिखी हूँ, तो जब मेरा बेबी पैदा हो रहा था उस टाइम पे शायद मुझे पता भी नहीं था, मैंने मेरा ससुर जी को जो है एक वो क्या बोलता है ट्रॉली लेके आ रहा था ऐसे घर में आ रहा था, फिर मैंने इसको बता दिया ऐसे ऐसे है, पता नहीं ऐसे वो आ रहे कि मतलब हमारे गांव में हमारे पुराने रीति रिवाज ऐसा मानते रहे कि सपनों में आते हैं और बता देते हैं कि मैं आ रहा हूँ कोई अगर प्रेगनेंट होता है तो मतलब ऐसे ही मान रहे अभी कि हमारे जो पिताजी है वो मेरे बेटे के रूप में आ रहे हैं अभी हमारे घर में, बेटा हो या बेटी हो, हाँ बेटा हो या बेटी उसका रूप में आ रहा है, मतलब मुंह से बेटा निकल जाता है, इसका कुछ बुरा मत मानना गाइस, क्योंकि कोई भी अगर डायरेक्ट बोलता है तो आपके कितने बच्चे हैं, आपके कितने बेटे हैं ऐसा बोलते हैं ना, बेटी बेटी मतलब फटक से नहीं आता है, इसलिए ऐसा नहीं है कि हम लोग बेटी को नहीं चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, अभी जो भी हो बहुत ही खुश है, बस सही सलामत हो, सब बेटा हो और बेटी हो, इंसान ही इंसान, वही तो सबका ही इतना ही प्यार है, वही है। अभी मुझे थोड़ा थोड़ा महसूस हो रहा है,
मेरा मम्मी पापा ने मुझे कैसे पालाया, इसे बचपन से लेकर सभी को पता चल जाता है अगर ये फीलिंग आप लोग को भी होगा तो। वही अगर ये ऐसा जो फीलिंग होता है ना, ये मतलब कोई दूसरा समझ नहीं सकता, उसको फील नहीं कर सकता, जब खुद पे आएगा तब फील कर सकता है। मैं शुरू शुरू में सोचता क्या है बाप बनना, क्या है मैं तो नहीं बनाऊंगा, मैं तो जवान घूमूंगा ही। लेकिन अभी जब भी कोई बच्चा अगर देखता हूँ ना भाई, अलग सा फील आता है मुझे भाई, एकदम दिल धक धक होता है कि खास मेरा भी आ जाए, मेरा भी आ जाए ऐसा। तो अभी फाइनली और 6 महीने बचे हैं, उसके बाद तो अभी जब ये पे मतलब ग्रो हो रहा है उस टाइम में, जल्दी आना ये बोलते हैं, पेट में कितना रहेगा इसको अभी जल्दी निकलने का मन है। एंड आई गेस आप लोग को भी जल्दी चाहिए होगा। एक्चुअली वो जो मैंने उसका भतीजा है गोला, हाँ, उससे बहुत प्यार करता और, है ये। और वो भी अभियान, हमारा अभियान, हाँ, हम अभियान, अभियान भी उसको देख देख के फिर भी पूरा दिल एकदम पूरा चाहता है जल्दी आ जाओ बोल के, इतना क्यूट है वो दोनों। हाँ, बहुत ही ज्यादा वो क्यूट भी है, और ऐसे हर बेबी तो बहुत ही ज्यादा क्यूट होता है, पूरा अपना मतलब अपना जैसा लगता है ये बेबी भी हम लोग का खास ऐसा हो ऐसे तो फिर भी हम लोग का आ रहा है, बहुत ही ज्यादा खुश है, अभी सब इंतजार में है। तो गाइस बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ रिवील करके, मन को हल्का मिला, खुशी मिला, और भी बहुत सारे लोगों को मैसेज पहुंचाना था तो इस वीडियो के माध्यम से सबको दे दिया। सभी लोग खुश, सभी हम भी खुश, बहुत मजा है। बस आप लोग दुआ करना कि सब कुछ जो है सही सलामत हो जीवन में, हम भी तरक्की करें, और आप सभी व्यूअर जितने भी लोग देख रहे हैं आप लोग भी तरक्की करो लाइफ में, एंड खूब आगे बढ़ो, खूब अच्छे से रहो, स्वस्थ रहो।